नमस्कार विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत जलवायुीय कारकों के अंतर्गत लाइट यानी प्रकाश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जलवायुीय कारकों के अंतर्गत मृदीय कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मृदीय कारक की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम मृदा की प्रकृति, उसके निर्माण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जो वनस्पति होती है उसकी संरचना के निर्धारण में वहाँ की जो जलवायु कारक होते हैं वो तो महत्वपूर्ण होते हैं। उसी के साथ साथ जिस आवास में पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं, पाए जाते हैं प्रकृति के अंतर्गत, उस आवास की मृदा का उस वनस्पति की संरचना के संगठन और निर्धारण में अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत वनस्पति की संरचना एवं वहाँ पर पाए जाने वाले पादप समुदायों की वनस्पति संगठन में जो हमें विविधता देखने को मिलती है उसके लिए वृद्धि कारक भी उत्तरदायी होते हैं। पौधे जमीन अर्थात मृदा से जल एवं खनिज लवणों को प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ मृदा पौधों को स्थिरीकरण में सहायता करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लांट मुख्यतः स्थलीय जो आवास के प्लांट है वो पूर्ण रूप से है जो मृदा पर निर्भर रहते हैं। जब हम बात करते हैं मृदा, तो मृदा के अंदर उस मृदीय आवास जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों का जमीन का अंदर वाला हिस्सा है जो उनकी मूल तंत्र होता है। मूल तंत्र में मृदा के अंतर्गत सिर्फ है जो मूल ही नहीं होती, उसके अलावा मूल तंत्र के साथ में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव इत्यादि पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर के उस पूरे मूल तंत्र के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है और जिसका अर्थ होता है कि ऐसी सामग्री या ऐसी भू सामग्री जिसके अंतर्गत पौधे हैं जो पनपते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी कार्यशैली और इससे संबंधित उसके विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम मृदा विज्ञान या पीडियोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मृदा का निर्माण स्थलीय आवास पर पेड़ पौधों और वनस्पति इत्यादि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये दो चरणों में संपन्न होती है। पहला जो चरण है वो है अपक्षय, तो अपक्षय है वह अलग अलग प्रकृति का और दूसरा जो चरण है वो है मृदा जनन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मृदा निर्माण में मुख्यतः दो चरण होते हैं, अपक्षय और मृदा जनन। अपक्षय जो होता है वह तीन प्रकार से होता है। पहला है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। अपक्षय से हमारा तात्पर्य है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत बड़ी बड़ी चट्टानें एवं शिलाखंड टूटकर छोटे छोटे खनिज कणों में रूपांतरित हो जाते हैं। अब इस अपक्षय की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन से प्राकृतिक बल या साधन है जो अपक्षय की प्रक्रिया में प्रयुक्त होते हैं,
अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि चट्टानों को खनिज कणों में बदलने के लिए कौन से भौतिक बल प्रयुक्त होते हैं उनके आधार पर ना उनको अलग अलग अपक्षय की श्रेणी बांटा गया है। अगर हम भौतिक अपक्षय की बात करते हैं तो ये मुख्यतः एक यांत्रिक प्रक्रिया है। भौतिक अपक्षय की घटना के अंतर्गत पवन, तापक्रम, जल एवं गुरुत्व बल इत्यादि कारक काम करते हैं जो कि विभिन्न चट्टानों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के जमा होने से हम जानते हैं कि चट्टानों का निर्माण होता है और इस इन खनिज पदार्थों की जो विशेषता होती है जो कि चट्टान के अंदर मौजूद होते हैं वे गर्मी अर्थात उच्च तापक्रम पा करके फैल जाते हैं और निम्न ताप पर ठंड में सिकुड़ जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि चट्टान जो होती है इसके अंदर खनिज कण पाए जाते हैं। इन पदार्थों जो खनिज कण होते हैं उनके तापक्रम में भिन्नता के कारण फैलने और सिकुड़ने के फलस्वरूप चट्टानों के अंदर दरारें उत्पन्न होती है और इन दरारों के बन जाने से धीरे धीरे चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाती है और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं ऐसे कहें भौतिक बलों के द्वारा पवन, गुरुत्वाकर्षण है ना, तापक्रम आदि के द्वारा इन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े और उन टुकड़ों के आगे बाद में और छोटे छोटे कण जिसे हम मिट्टी के कण कहते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा हम भूस्खलन एक जो प्राकृतिक परिघटना के कारण भी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में चट्टानों से कई सारे हैं जो बड़े बड़े टुकड़े नीचे की ओर गिरकर और लुढ़कते हुए चूर चूर हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टानों के टुकड़े ऊपर से जब नीचे गिरते हैं लुढ़क करके नीचे आने पर वो टूट करके छोटे छोटे खंडों में बंट जाते हैं और जो वनस्पतिहीन पहाड़ियाँ या जो चट्टानें होती हैं जहाँ शरद ऋतु में कभी कभी तापमान फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे और हो जाता है इसके कारण चट्टानों की जो दरारें होती हैं उन दरारों में जो जल पाया जाता है वो जल जम जाता है। इसके कारण जल के आयतन में वृद्धि होती है और ये बढ़ा हुआ जल का आयतन उन चट्टानों की दरारों पर दबाव डालता है जिसके कारण और चट्टानें टूट करके बिखरने लगती है। इसी प्रकार से जो ऊंची पर्वत चोटियाँ होती है उन पर्वत चोटियों पर मौजूद शिलाखंड होते हैं वो तेज पवन के संपर्क में आने से शिलाखंड छोटे छोटे टुकड़ों में कणों में परिवर्तित होता रहता है जिसके फलस्वरूप मृदा का निर्माण ऐसे कह सकते हैं अपन छोटे छोटे कणिकाएँ खनिज कणिकाएँ चट्टानों से निर्मित होती रहती है। नेक्स्ट कैटेगरी हो रासायनिक अपक्षय। इस प्रक्रिया के अंतर्गत रासायनिक प्रक्रम के द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है और इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए नमी एवं वायु का होना अति आवश्यक है। और अगला जो महत्वपूर्ण चरण है रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत जल है जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो एक विलायक के रूप में जो कार्य करता है और इसी की उपस्थिति में मृत पादप प्राणी के जो बॉडीज होती है वो अपघटन द्वारा विभिन्न कार्बनिक अम्ल इत्यादि का निर्माण करती है। जल एवं नमी की उपस्थिति के कारण जो कार्बनिक अम्ल इत्यादि अधिक सक्रिय हो जाते हैं और ये अम्ल है जो चट्टानों को तोड़ने के लिए अर्थात रासायनिक अपक्षय का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रासायनिक अपक्षय की जो घटना होती है उसके अंतर्गत जल अपघटन, अपचयन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण एवं निर्जलीकरण इत्यादि प्रमुख महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो कि रासायनिक अपक्षय को संपन्न कराने में सहयोग करती है। हालांकि हम देखते हैं कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों का अपक्षय बहुत ही धीमी गति से होता है फिर भी ये एक प्राकृतिक महत्वपूर्ण घटना है जो कि चट्टानों के अपक्षय में सहयोग करती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वायुमंडल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो वर्षा के समय जल के साथ में मिलकर के कार्बनिक अम्ल
और नाइट्रस एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये कार्बनिक अम्ल और नाइट्रस एवं नाइट्रिक अम्ल होते हैं, ये चट्टानों पर अभिक्रिया करके और उन चट्टानों को तोड़ तोड़ करके उनको छोटे खनिज कणों में रूपांतरित करने का कार्य करते हैं। अगला जो अधिक महत्वपूर्ण अपक्षय का जो चरण है वो है जैविक अपक्षय, यानी जीवों की, सूक्ष्म जीवों की विशेषता जैविक सॉरी इसमें चट्टानों के पक्ष के अंदर भूमिका। चट्टानों की दरारों में हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ें पाई जाती है और ये पेड़ पौधे इन चट्टानों के आसपास उगते हुए पाए जाते हैं। और इन पेड़ पौधों के अंदर कई सारी वनस्पति है जो जंगलों के अंदर में देखने को मिलती है चट्टानों आवास में। इन पौधों की जो जड़ें होती है उन दरारों में उपस्थित जल एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का पौधों के पोषण हेतु उपयोग करती है और साथ ही साथ में जड़ की मोटाई में वृद्धि होती रहती है, जिसके फलस्वरूप इन दरारों पर प्रभाव पड़ता है और चट्टानों के टुकड़े होने लगते हैं। और कुछ पौधों की जो वनस्पति होती है उनकी जड़ें ऐसी होती है कि जिनके अंदर रासायनिक स्राव होते हैं, यानी कार्बनिक अम्ल वगैरह स्रावित करती है, तथा ये अम्ल साथ ही साथ दरारों में उपस्थित अन्य सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं उनकी मृत्यु इत्यादि के सड़ने गलने से भी निरंतर यूमिक अम्ल का निर्माण भी होता रहता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो दरारों में उपस्थित कार्बनिक अम्ल और यूमिक अम्ल है, ये है जो जैविक अपक्षय यानी जीवों द्वारा अपक्षय की भूमिका को बखूबी अंजाम देते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखें जैविक अपक्षय के अंतर्गत तो अनेक सजीव जैसे लाइकेंस, कवक, जीवाणु, मोस, उच्च वर्गीय पौधों की पौधे भी हैं और उनकी जड़ों के द्वारा स्रावित कार्बनिक अम्ल, केंचुए इत्यादि सभी मिलकर के इस जैविक अपक्षय की घटना में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो मृदा निर्माण के अंतर्गत जो पहला चरण है वो अपक्षय अपक्षय इन तीन प्रकार की घटनाओं के फलस्वरूप संपन्न होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। नेक्स्ट जो चरण होता है मृदा निर्माण का वो होता है मृदा जनन, यानी अपक्षय के बाद में मृदा का निर्माण। अपक्षय के फलस्वरूप हमने देखा कि चट्टाने और बड़े बड़े शिलाखंड छोटी छोटी और बारीक खनिज कणिकाओं में बदल जाते हैं और इस प्रकार मृदा निर्माण की प्रक्रिया तो आगे बढ़ती है, परंतु इन खनिज कणों के बन जाने से ही मृदा का निर्माण पूरा हो गया ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कण मृदा संरचना के आधारभूत ढांचे का प्रतिनिधित्व अवश्य करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जो अपक्षय के फलस्वरूप जो मृदा कणिकाओं का निर्माण हुआ है, इन मृदा कणिकाओं के निर्माण से हम ये नहीं कह सकते कि पूरी मृदा का निर्माण हो गया है, लेकिन ये है जो शुरुआत है मृदा निर्माण की, एक आधार है। और इन खनिज कणों को या खनिज कणिकाओं को मृदा में विकसित अथवा पूर्णतया बदलने के लिए, रूपांतरित होने के लिए ये खनिज कण एक जटिल प्रक्रिया से गुजरते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इन मृदा खनिज कणिकाओं का मृदा में रूपांतरण को हम है जो मृदा जनन कहते हैं या मृदा परिवर्धन कह सकते हैं। और मृदा जनन की जो प्रक्रिया होती है अनेक जैविक चरणों में संपन्न होती है। जैविक अपक्षरण में कार्यशील समस्त मृदा जीव मृदा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी मृदा के अंदर खनिज कणिकाओं का मृदा में परिवर्तन अथवा रूपांतरण होने के लिए मृदा में उपस्थित मृदा जीवों का महत्वपूर्ण भूमिका अथवा रोल होता है। मृदा के परिपक्वन के दौरान मृदा में उप सजीवों के द्वारा स्रावित अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बनिक अम्ल और एंजाइम्स का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणुओं, कवक, चट्टानों की दरारों में मृत पौधे जंतुओं के अवशेषों का अपघटन इत्यादि से ह्यूमस नामक अम्ल उत्पन्न होता है। ये सभी ह्यूमस एवं स्रावित विभिन्न सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक अम्ल इत्यादि चट्टानों के टूटने और उनसे निर्मित बारीक खनिजों के साथ मिश्रित हो जाते हैं एवं पूर्णतया विकसित मृदा की संरचना का निर्माण करते हैं।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि मृदा की अंदर विभिन्न परतें पाई जाती है जो उसके निर्माण की अलग अलग स्टेज को शो करती है, और इस तथा इन परतों में पाई जाने वाली मृदा की विभिन्न परतों की अलग अलग विशेषता होती है। मृदा में उपस्थित पेड़ पौधों को खनिज पोषण इत्यादि इन्हीं मृदा स्तरों से प्राप्त होता है। मृदा के विभिन्न इन स्तरों को, मृदा के संगठन को समझने के लिए हम एक मृदा परिच्छेदी का या सोइल प्रोफाइल जिसे कहते हैं का अध्ययन करते हैं। सोइल प्रोफाइल को आप अपने आसपास के क्षेत्रों में जहाँ खुदाई होती है उस खुदाई में आप जो कभी गड्ढा खोदते हुए देखते हो तो उसके अंतर्गत है जो आपको मृदा के विभिन्न अलग अलग रंग की परतें दिखाई देती है ऊपर से नीचे की ओर गहराई में। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं वो एक मृदा परिच्छेदी का सोइल प्रोफाइल को शो कर रहा है। चट्टानों के अपक्षरण और मृदा जनन के द्वारा जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है, सतत प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है, इस सोइल प्रोफाइल के अंतर्गत आप मृदा की विभिन्न परतों या संस्तरों को देख रहे हैं, और इन विभिन्न संस्तर या लेयर्स को हम स्तरीकरण कहते हैं, और इन विभिन्न परतों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। मृदा परिच्छेदी का या सोइल प्रोफाइल का जो विकास है, विकास भी पेरेंट रॉक्स, जलवायु कारकों, भू आकृति कारकों एवं अनेक जैविक कारकों पर निर्भर करता है, और इन सभी का उपरोक्त कारकों के अंतर्गत मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो कि उस मृदा के निर्माण अथवा मृदा की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। क्योंकि सूक्ष्म जीव विभिन्न पेड़ पौधे जंतुओं के मृत अवशेषों का अपघटन करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। शीतोष्ण वनों में सूक्ष्म जीव द्वारा संचालित अपघटन की प्रक्रिया मंद गति से होती है, जबकि वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर नमी अधिक पाई जाती है, आर्द्रता होती है, उन क्षेत्रों में है जो अपघटन की प्रक्रिया सूक्ष्म जीव द्वारा तीव्र गति से संपन्न की जाती है। मृदा के विभिन्न संस्तरों को हम देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको चित्र के अंतर्गत आप देखोगे तो आपको ओ ओरिजिन दिखाई दे रहा है। ओ को है जो इन्होंने ओ ओरिजिन बोलो या फिर अपन इसको ए संस्तर कह सकते हैं, और ए संस्तर फिर है जो ए जीरो जीरो, ए जीरो, ए वन और ए टू, यानी ए संस्तर है वो चार स्तरों में बंटा हुआ है, जिसमें ए जीरो जीरो को ओ वन और ए जीरो को ओ टू कहा गया है। तो इस प्रकार से हम इन सभी को मिलाकर के एक संस्तर कह सकते हैं, इसको ओ और ए को मिलाकर के ए भी कह सकते हैं। तो ए जीरो संस्तर है और ए जीरो संस्तर, ए वन संस्तर, ए टू संस्तर, चारों सहस्त्र मिलकर के ए सहस्त्र का निर्माण करते हैं, और ये जो ए सहस्त्र पूरा है इसे हम सोइल प्रोफाइल के अंतर्गत सबसे ऊपरी परत मानते हैं, जिसे हम शीर्ष मृदा कहते हैं, और इस परत में खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक अवशेष पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ए जीरो जीरो की सहस्त्र की, तो इस परत में सजीवों के मृत शरीर, उनके टूटे फूटे अंग, पेड़ पौधों की टहनियाँ, पत्तियाँ, मृत प्राणियों के अवशेष आदि पाए जाते हैं। आकृति के आधार पर इन सभी अवशेषों को हम आसानी से पहचान सकते हैं, और इन सभी अवशेषों को हम लीटर
भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वो A0 सहस्त्र। इस सहस्त्र में जो लीटर है उस लीटर का आंशिक अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी पहचान उन जीवों के पेड़ पौधों के अपघटित हो रहे अंशों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। और इस सहस्त्र के अंदर गहराई में उपस्थित इसकी निचली परत को, जहाँ पर ये अधिक मात्रा में अपघटित हो जाते हैं पदार्थ, इन अपघटित पदार्थों को हम डप कहते हैं। यानी जो लीटर की जो अगली अपघटन की स्टेज आती है वो डप होती है। नेक्स्ट है A1 सहस्त्र। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो ये है जो गहरे रंग की एवं कार्बनिक पदार्थों की बहुलता से युक्त सहस्त्र होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर है जो अपघटन की प्रक्रिया काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो इस स्तर में है जो ऊपर से रिसाव के द्वारा काफ़ी मात्रा में खनिज लवण है जो यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके कारण है जो ये स्तर कार्बनिक पदार्थों की बहुलता से युक्त होती है। इस स्तर के कार्बनिक पदार्थ वहाँ उपस्थित खनिज कणों के साथ मिश्रित होकर के ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और इसी कारण इस परत का रंग गहरा भूरा और काला होता है। इसलिए इस परत को ह्यूमस क्षेत्र या मेलेनाइज्ड रीजन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले जो A00 स्तर था उसके अंदर लीटर होता है, लीटर का अपघटन होने पर डप बनता है, वो A0 सहस्त्र में होता है, और डप से फिर आगे जो ह्यूमस बनता है ना, जिसे खनिजी मिनरलाइजेशन कह सकते हैं, यानी खनिजीकरण या खनिज का निर्माण होता है खनिज लवणों का, तो वो है जो इस A1 सहस्त्र के अंतर्गत होता है। उसके बाद में है A2 सहस्त्र, जहाँ खनिज लवणों के बड़े बड़े कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और सामान्यतः इन खनिज लवणों कणों की आकृति एवं परिमाप बालुई मिट्टी के कणों के समान दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर इस परत में कार्बनिक पदार्थ हमें कम ही मात्रा में देखने को मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ इस सहस्त्र से खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ की लीचिंग होती है, अर्थात वो बह करके और अधिक गहराई में चल जाते हैं। इसलिए इस A2 सहस्त्र को प्रक्षालित क्षेत्र है, जोन ऑफ ब्लीचिंग, पोर्सोलिक क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट जो स्तर है, ये तो चार ए स्तर के चार सहस्त्र थे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्तर, वो है बी सहस्त्र, बी होरिजोन। ये जो बी होरिजोन है ये ए सहस्त्र के ठीक नीचे पाया जाता है। इस सहस्त्र में विशेष तौर पर सिलिका युक्त चिकनी मिट्टी, एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और उपरोक्त सभी पदार्थों की उपस्थिति के कारण इस स्तर का संगठन भुरभुरा एवं मोटा होता है। इस परत के ऊपरी भाग में, क्योंकि इसके ऊपर A2 स्तर उपस्तर होता है, तो उससे रिसकर के आने वाले रासायनिक पदार्थों का जमाव इसी बी परत के अंतर्गत होता है। लेकिन ये जो है जो बी परत, इसके अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग है जो हमें विकास देखने को मिलता है। शुष्क क्षेत्रों में की जो मृदा परिस्थितिका होती है उसके अंदर बी सहस्त्र सामान्यतः अल्प विकसित होता है। और साथ साथ इस परत में किसी भी प्रकार के है जो आपको सूक्ष्म जीव या सजीव इत्यादि देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं ऊपर से मृदा के विभिन्न परतों से रिस करके नीचे की तरफ जाने वाला जल इस बी सहस्त्र में आकर के एक जलाशय के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जो कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर की परतों में संचालित होता है, जो कि पौधों के लिए अवशोषण के लिए उपलब्ध होता है। विभिन्न मृदा विज्ञानी जो पीडोलॉजिस्ट होते हैं वो मृदा के A1, A2 तथा बी सहस्त्र को संयुक्त रूप से सोलम या वास्तविक मृदा कहते हैं। नेक्स्ट है बी के बाद में सी ओरिजिन। ये ठीक बी के नीचे उपस्थित होता है, मृदा परिस्थितिका की तीसरी परत होती है, जिसे हम रिगुलेट क्षेत्र भी कहते हैं। यह परत है जो इनकम्प्लीटली वेदर्ड चट्टानों की बनी होती है, चट्टानें जिनका प्रक्षेप पूर्ण रूप से नहीं हुआ है उस प्रकार के चट्टानों से बनी होती है।
इस स्तर में कभी कभार है जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें हैं जो यहाँ पर इस स्तर तक गहराई में प्रवेश कर जाती है, और यहाँ इस सी स्तर के अंतर्गत भी हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। सबसे नीचे की तरफ जो स्तर होता है सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत वो होता है आर स्तर, इसे मृदा संगठन की सबसे निचली स्तर कहा जाता है। इस परत में पृथ्वी का सबसे बड़ा चट्टानी क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हमें टूटी हुई चट्टान देखने को नहीं मिलती है। बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जिनके अंदर अपक्षय की घटना देखने को नहीं मिलती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में केवल है जो चट्टानें ही चट्टानें होती है, तथा इन चट्टानों के ऊपर है जो जल एकत्र रहता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मृदा परिचितिका के बारे में अध्ययन किया, जिसमें पता पड़ता है कि मृदा का अगर एक ऊर्ध्वाधर हम खड़ा काट देखें उस काट के अंदर में विभिन्न मृदा निर्माण की परतें अलग अलग स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। अब है मृदा का वर्गीकरण, यानी मिट्टी है जो उसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। मृदा का जो वर्गीकरण है मृदा के निर्माण के स्थान और उसकी उपस्थिति के आधार पर किया गया है, और इसके आधार पर मृदा को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला है अवशिष्ट मृदा। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है अपने जनक चट्टानों के क्षेत्र में ही उपस्थित पाई जाती है, जहां चट्टानें अपक्षय होती है वहीं पर ही ये मिट्टी है जो पाई जाती है। अर्थात जिस क्षेत्र में चट्टानों का अपक्षय होता है, अपक्षय के बाद दूसरा चरण जो था मृदा निर्माण, तो अपक्षय और मृदा निर्माण दोनों घटनाएं एक ही स्थल पर संपन्न होती है। तो यहां पर जो अपक्षय और मृदा जनन एक के बाद एक ही स्थान पर संपन्न होती है, और इस प्रकार की जो मृदा जहां पर दोनों घटनाएं एक ही स्थान पर संपन्न होती है उसकी ऐसी मृदा को हम अवशिष्ट मृदा या रेजिडियल सॉइल कहते हैं। भारत के अंतर्गत हम देखें विंध्याचल क्षेत्र की जो लाल मिट्टी है, दक्षिणी भारत की चिकनी काली मिट्टी अवशिष्ट मृदा के है जो उपयुक्त उदाहरण है। दूसरा है अभिवाहित मृदा। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि इस प्रकार की मृदा का निर्माण एवं यानी मृदा का निर्माण एवं विकास अपनी जनक चट्टानों से सुदूर क्षेत्रों में होता है। यानी कहने का मतलब है कि अपक्षय की जो घटना होती है अलग जगह पर संपन्न होती है, और मृदा जनन जो पीडोजेनेसिस की घटना होती है वो अलग जगह पर होती है। यानी मृदा निर्माण के दोनों चरण अलग अलग स्थानों पर संपन्न होते हैं। जनक चट्टानों के अपक्षय के बाद इससे बने हुए छोटे छोटे खनिज कण और टुकड़े किसी भी माध्यम के द्वारा है ना, वायु जल इत्यादि जो भी है उसके द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, और मृदा के निर्माण एवं परिवर्तन की प्रक्रिया बाद में इन सुदूर क्षेत्रों या दूरस्थ क्षेत्रों में पूरी होती है। अतः ऐसी मिट्टी को हम अभिवाहित मृदा या ट्रांसपोर्टेड सोयल कहते हैं, दूसरी जगह पर उनका स्थानांतरण। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी वेदर्ड रॉक्स होती है उसके टुकड़े वह खनिज कण दूरस्थ स्थानों पर विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा वाहित कारकों के द्वारा पहुँच जाते हैं, और उसके बाद में इन अभिकर्ण कारक यानी कौन से माध्यम के द्वारा ये खनिज कणिकाएं और उसके चट्टानों के टुकड़े अन्य स्थानों पर पहुँचे हैं उसके आधार पर अभिवाहित मृदा को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया। सबसे पहला है आपके कोल्यूवियल मृदा। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से चट्टानों के टुकड़े और बारीक मिट्टी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जब लुढ़क करके नीचे पहुंचते हैं तो लुढ़क करके नीचे गिरने के कारण इनके टूटने की प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और बाद में ये सारा जो खनिज कणिकाएं जो चट्टानों के टुकड़े हैं और ठेठ नीचे तलहटी में चट्टानों के मलबे के रूप में एकत्र हो जाते हैं, और वहां पर है जो पीडोजेनेसिस अर्थात मृदा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार बनने वाली मृदा को हम कोल्यूवियल मृदा कहते हैं, और ये मृदा अधिक उपजाऊ होती है और हिमालय के तराई वाले इलाकों में प्रायः हमें इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। तो इसे कह सकते हैं कि कोल्यूवियल मृदा के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा।
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस प्रकार की मृदा का निर्माण नदियों एवं पहाड़ों से जल की धाराओं के प्रवाह के साथ में चट्टानों के टुकड़े एवं धारा उनके साथ में खनिज कणिकाएं इत्यादि दूसरे स्थानों पर पहुंच जाते हैं और वहां पर है जो मृदा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस श्रेणी की मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज कणिकाओं के स्थानांतरण का कारक है वो जल है, इसलिए यहाँ पर हम इसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। गंगा यमुना एवं सिंधु नदियों के जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है ये है जो जलोढ़ मृदा के बहुत अच्छे उदाहरण है। नेक्स्ट है हिम नदीय मृदा। ठंडी जलवायु के पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर हिमनद या कहते हैं के द्वारा भी मृदा कणों का अभिगमन होता है और इनके फलस्वरूप निर्मित मृदा को हम हिमनदीय मृदा कहते हैं। अंतिम में वातोढ़ मृदा। वातोढ़ मृदा वात वात यानी वायु, यानी हमें पता पड़ रहा है कि यहाँ पर है जो खनिज कणिकाओं का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा। तो इस प्रकार के मृदा निर्माण के अंतर्गत विभिन्न स्थानों से, जैसे हम स्पेशल देखते हैं थार के मरुस्थल क्षेत्र में धूल भरी आंधियों के द्वारा भी मृदा कणों का स्थानांतरण दूरस्थ स्थानों पर हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर अपेक्षित घटना कहीं और संपन्न होती है और बाद में मृदा निर्माण की प्रक्रिया कहीं और होती है और यहाँ पर मृदा कणिकाओं के स्थानांतरण में आंधी तूफान यानी कह सकते हैं कि तेज वायु का है जो कारक अभिभाग कारक के रूप में कार्य करती है। अतः इस प्रकार की मृदा निर्माण को हम वातोढ़ मृदा कहते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम मृदा संगठन तथा इसका वनस्पति पर प्रभाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।